रायगढ़ आदिम जाति और सेवा सहकारी समिति कर्मचारी संघ के कर्मचारियों ने धान मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संघ ने अपनी समस्याओं को लेकर राज्य सरकार को अवगत कराया। उन्होंने कहा 1 नवंबर से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू हो जाएगी, जिसके पहले धान खरीदी में प्रासंगिक व्यय सुरक्षा व्यय को 12 रूपये से बढ़ाकर 30 रूपये प्रति क्विंटल किया जाए। धान खरीदी कमीशन 32 रूपये से बढ़ाकर 50 रूपये प्रति क्विंटल किया जाए। इसके साथ ही कर्मचारी संघ ने अन्य मांगों को लेकर भी 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, सेब के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं मांगों की पूर्ति नहीं होने की स्थिति में धान खरीदी का बहिष्कार करने की चेतावनी भी दी गई। शासन के खिलाफ है और धान हम लोग धान खरीदी कार्य करने वालों का पूरा संगठन है। हम शासन का धान खरीदी का कार्य करते हैं। हम लोग शासन से मांग करते हैं कि जो धान खरीदी की नीति बनी है उसमें सुखद का प्रावधान करे, प्रासंगिक प्रशासनिक की दर की बढ़ाई जाए और कमीशन की राशि को बढ़ाई जाए। इन 3 मुद्दों को लेकर के हम सब यहाँ पर जिला संघ जिला कार्यालय में रैली के माध्यम से पूरे रायगढ़ जिला और सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला के जितने कर्मचारी हैं वो सब रायगढ़ मुख्यालय आए हुए हैं। रैली हम लोग मिनी स्टेडियम से निकाले और जिला कलेक्टर कार्यालय के अंदर घुस करके हम लोगों ने ज्ञापन दिया है।